सभी स्कूल्स में एग्ज़ाम रनिंग है और मेरे बेटे के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं। अपने एग्ज़ाम के लिए वो पूरी तरह प्रिपेयर रहता है। एग्ज़ाम की तैयारी को वो कैसे फॉलो करता है, उसका 15 से 20 दिन पहले का स्केड्यूल बन जाता है जिसको वो और मैं मिलके बनाते हैं। तो आइए, वेलकम बैक टू माय चैनल, एंड देखिए कि कैसे हम एग्ज़ाम के पैटर्न को फॉलो करते हैं। इसके लिए हमें एक वाइट पेपर शीट, A4 साइज़ की ले सकते हैं आप, एक स्केल, पेन, पेंसिल, इरेजर और एक कैलेंडर लेंगे। इसमें हम मेन टाइम टेबल और सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल दोनों बनाएंगे। सबसे पहले हम पेपर के सबसे ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसके ऊपर हम हेडिंग लिखेंगे। दो कॉलम्स ड्रॉ करेंगे हम। इन कॉलम्स में फर्स्ट कॉलम में डेट लिखेंगे, सेकंड में सब्जेक्ट और थर्ड में लर्न लिखेंगे। जिस डेट से हम स्टार्ट कर रहे हैं स्केड्यूल फॉलो करना, जैसे हम 15 को हमने डिसाइड करा था कि हमें 16 से एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करनी है, तो हम 16 डेट से लेके एग्ज़ाम स्टार्ट होने की डेट तक, 7 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं तो हमने 6 डेट तक रेगुलर सारी डेट्स लिख ली हैं। 7 के बाद में आप वो वाली डेट्स लिखेंगे जिस दिन एग्ज़ाम है। यहाँ पे हमने सिर्फ वो डेट्स लिखी हैं जिस दिन एग्ज़ाम्स हैं, जैसे 7 को एग्ज़ाम है, 10 को है, 12 को है, 14, 15, 17। यहाँ पे हम एक सेपरेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इससे ऊपर के जो डेज हैं वो हमारे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए रहेंगे। अब हम कैलेंडर में देखेंगे कि कौन से डेज को हॉलीडे है। यहाँ पे देखिए 4 संडे भी हैं इस कैलेंडर में। हमारा जो ये स्केड्यूल है उसके अंदर हम जिस जिस दिन हॉलीडे हैं उसको सर्कल से रेड कर लेंगे। हॉलीडे को हम इसलिए मार्क कर रहे हैं क्योंकि हॉलीडे वाले दिन मेरे बेटे को डबल टाइम मिल जाता है पढ़ाई करने के लिए। वो मॉर्निंग में भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और इवनिंग में भी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद हम दो एग्ज़ाम्स के बीच में कितने डेज़ का गैप है वो लिख लेंगे। जैसे 10 तारीख के एग्ज़ाम से पहले 3 डेज़ मिल रहे हैं हमको, 12 तारीख के एग्ज़ाम से पहले 2 डेज़ मिल रहे हैं। कुछ एग्ज़ाम्स हैं जिसके लिए हमें एक भी दिन नहीं मिल रहा है। इसके बाद में हम यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स लिख लेंगे, कौन सी डेट को कौन सा एग्ज़ाम है वो लिख लेंगे। अब आप अपने टाइम टेबल को नीट लुक देने के लिए लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपने लाइन वाला पेपर लिया है तो लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये बिना लाइन वाला पेपर कंफर्टेबल रहता है क्योंकि इसमें मैं अपने अकॉर्डिंग लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ और अपने अकॉर्डिंग एक ही पेपर पे एग्ज़ाम की डेट्स और एग्ज़ाम प्रिपरेशन की डेट्स को मैनेज कर लेती हूँ। बीच में एक सेपरेट लाइन हमने ड्रॉ करी है अलग ही कलर में, इस दिन से एग्जाम से स्टार्ट हो रहे हैं। इस पूरे टेबल को, एग्ज़ाम के टाइम टेबल को बनाने के लिए मेरा बेटा साथ में बैठता है और वो मैं पूरा डिस्कस करके टाइम टेबल बनाते हैं। अब हम सिलेबस खोलते हैं। सिलेबस में हमने उन उन चैप्टर्स को सर्कल कर लिया है जो कि हमने बिल्कुल भी लर्न नहीं करे हैं। ये वो चैप्टर्स हैं जो कि इसने बिल्कुल भी लर्न नहीं करे हैं। इस बाकी जो अनसर्कल चैप्टर्स हैं वो पहले भी एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं तो उनकी सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत रहेगी, और जो सर्कल वाले चैप्टर हैं उसको एक बार भी उसने लर्न नहीं करा है तो इसलिए वो जो चैप्टर्स हैं वो हम पहले करेंगे।
यहाँ हमने लर्न वाले में दो और पार्टीशन कर लिए हैं, मॉर्निंग और इवनिंग। जिस जिस दिन वो स्कूल जाएंगे मॉर्निंग में पढ़ाई लर्निंग नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन डेज को हमने क्रॉस कर दिया है। इसके बाद सिलेबस में जो चैप्टर हमने सर्कल करे हैं, जो पहली बार पढ़ेंगे वो हम यहाँ पे लिख चुके हैं। हर सब्जेक्ट को हमने 2 डेज दिए हैं। SST उनको सबसे टफ लगता है, इसलिए SST को सबसे पहले हम लर्न करेंगे। मैथ्स को हम नॉर्मली संडे ज़रूर देते हैं, क्योंकि मैथ्स की पढ़ाई जो है वो अपने पापा के साथ करता है। संडे को टाइम देने की वजह से उनको मॉर्निंग और इवनिंग दो टाइम मिल जाते हैं मैथ्स की पढ़ाई के लिए। पूरा टाइम टेबल प्रिपरेशन स्केड्यूल पहले से बना लेने से उनको ये फ़ायदा रहता है कि जब एग्ज़ाम्स रनिंग होते हैं तो उनको स्ट्रेस नहीं रहता बिल्कुल भी। यहाँ देखिए हम सब्जेक्ट वाइज सारे लेसन लिख चुके हैं। हमने वो सब चैप्टर कवर कर लिए हैं जिनको ये लर्न करेंगे। अब हम सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल बनाएंगे। इस टाइम टेबल के लिए आप वो रफ नोटबुक अपने पास रखेंगे जिसे वो एग्ज़ाम की तैयारी में यूज़ लेते हैं। इसमें आगे के पेजेस में वो यूज़ करते हैं लर्निंग के लिए, और पीछे हम ये सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल बनाते हैं। सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल बनाने से ये बिल्कुल क्लियर रहता है कि कितने चैप्टर्स वो लर्न कर चुके हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ऊपर सब्जेक्ट का नेम लिख लेंगे, फर्स्ट कॉलम में चैप्टर नंबर। यहाँ पे वो सारे चैप्टर नंबर लिखेंगे आप जो कि एग्ज़ाम में आ रहे हैं। उसके बाद सेकंड कॉलम में ऑब्जेक्टिव, थर्ड कॉलम में शॉर्ट आंसर्स रहेंगे। SST में शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर दो टाइप के होते हैं। शॉर्ट आंसर काफ़ी जल्दी लर्न हो जाते हैं, इसलिए हमने डिफरेंट डिफरेंट कॉलम बनाया है। जब कभी भी कम टाइम होता है या पढ़ाई का मूड कम होता है तो शॉर्ट आंसर वो जल्दी से लर्न कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कॉलम में डायग्राम, मैप, लेसन के बीच में से पढ़ने के लिए इन बिटवीन, सैम्पल पेपर और रिवीजन। अब हम इसमें जो लेसन फर्स्ट टाइम हम लर्न करेंगे उसका जो भी करते जा रहे हैं हम, सपोज़ हमने शॉर्ट आंसर कर लिए हैं और लॉन्ग आंसर कर लिए हैं, तो उसको पेंसिल से मार्क करेंगे। पेन से यहाँ मार्क नहीं करेंगे। चैप्टर 3, चैप्टर 14, चैप्टर 15 और चैप्टर 16, इसका हमने ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स कर लिए हैं लर्न। मोस्टली डायग्राम और मैप्स को हम एग्ज़ाम्स के बीच में ही लर्न करते हैं। ये जो 4 लेसन हमारे डिसाइडेड थे उसकी तैयारी हो गई है। अब जो ये 3 लेसन रह गए हैं एग्ज़ाम्स में, जब हम दोबारा से इस सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल को प्रिपरेशन के लिए उठाएंगे तब हम पेन से मार्क करेंगे। फाइनल तैयारी से पहले हमने ब्लूप्रिंट भी निकाला है जो कि स्कूल से ही मिलता है। इस ब्लूप्रिंट में देखेंगे तो डायग्राम्स और मैप जो हैं फर्स्ट लेसन के वो नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट लेसन जो है उसमें डायग्राम्स नहीं आ रहे हैं, मैप आ रहा है। उससे जो नेक्स्ट लेसन है उसमें मैप नहीं आ रहा है। इस तरीके से हम ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इसमें क्रॉस कर देंगे ताकि हमें प्रिपरेशन के टाइम में
बिल्कुल इजी रहे कि किस चैप्टर के हमें मैप्स करने हैं और किस चैप्टर के हमें डायग्राम करने हैं। यहाँ हमें पता चल गया कि हमें मैप सिर्फ एक ही लेसन का करना है। रिवीजन के अंदर हम वो क्वेश्चन लिखेंगे जो हमने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए लर्न करे थे, लेकिन बहुत अच्छे से लर्न हुए, और हम एक बार इन क्वेश्चंस को हम दोबारा से लर्न करेंगे ताकि ये हमें अच्छे से लर्न हो जाए। Please like and subscribe if you like this video and share it to your friends as much as you can. Thank you.